इस मुफ्त वैक्सीन का श्रेय आप किसको देंगे? नहीं नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है, ये सरकार का जिम्मेवारी है, सरकार को ही करना चाहिए था। इसका धन्यवाद किस बात का, इसको बेचने लग रहा है, ऐसे आदमी का धन्यवाद करते हैं क्या? पब्लिक का ही पैसा पब्लिक में ही लगाया जाता है, एक सरकार तो एक मैनेजमेंट है। ये मुफ्त वैक्सीन का श्रेय किसको देते हैं? मोदी सरकार को। क्यों? क्योंकि मोदी सारे देश इसमें काम कर रहे हैं। देखो पैसा तो पब्लिक तो हर चीज का टैक्स देती है, कोई जरूरी थोड़ी है कि जो वैक्सीन के लिए ही दे रही है। पता नहीं मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं जी, यहाँ तो दुकानदार सारे मरे पड़े हैं, काम धंधे सारे खत्म हो पड़े हैं। तो मोदी सरकार इतने हथियार बनवा रही है कि कल को जब भी ये युद्ध होगा तो ये भूल जाएंगे कि दोबारा हिंदुस्तान की तरफ वहाँ को उठा के भी देखना है। नहीं खुश तो नहीं है, खुश तो कौन हो सकता है महंगाई से बढ़ के। श्रेय तो उनको दिया जाएगा कि वे सही कर रहे हैं, अपनी ओर से वे तो सही चला रहे हैं भाई चीज़। इसका श्रेय सबसे पहले मोदी जी को जाता है जिन्होंने इतना किया, नहीं तो आम पब्लिक के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि कोई भी ये वैक्सीन अफोर्ड कर सके। कोई मेरा भक्त है उसको ये नहीं पता ये आदमी कैसा है, ठीक है या गलत है, लेकिन उसकी जय जयकार कर रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर, मैं हूं आपके साथ कंचन भारती और आज बोल सत्य बोल में बात करेंगे वैक्सीन जो कि सभी को मुफ्त लग रही है उसका श्रेय आखिर किसको जाता है, कौन है उसका हकदार कि वैक्सीन मुफ्त लगाने का श्रेय सरकार का है, राज्य सरकार का है या फिर किसी और का। आइए लोगों से बातचीत करेंगे। आपने वैक्सीन लगवा ली है? हाँ जी, सबसे पहले वैक्सीन मैंने ही लगवाई थी। दोनों डोज लगे हैं? हाँ दोनों डोज लगवा ली है। जब कोई इंजेक्शन वैक्सीन से लड़ते थे डरते थे लोग, उस टाइम मैंने सिविल हॉस्पिटल में लगवाई थी। अच्छा एक बात बताइए, जो वैक्सीन लगी है वो बिल्कुल मुफ्त लगी है? हाँ बिल्कुल मुफ्त लगी है, कोई पैसा नहीं लगा और बहुत सफाई से लगी है। इस मुफ्त वैक्सीन का श्रेय आप किसको देंगे? तो पहले जो वैक्सीन मिलती थी वो केंद्र सरकार से मिलती थी, इसका केंद्र सरकार को श्रेय जाता है, और जो 18 से 45 में लगनी शुरू हुई है वो राज्य सरकार की है। लेकिन कुछ दिन पहले ही संसद में सरकार के ही एक मंत्री ने बयान दिया कि ये जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें से जो सरकार को मुनाफा होता है वो 88% बढ़ गया है, और जो वो पैसे सरकार के पास आए हैं वो उसका सभी का यूज़ कर रहे हैं लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाने में, तो इसका श्रेय सरकार को कैसे चला गया? सरकार को जाना ही नहीं चाहिए, जब ये केंद्र सरकार का जो पेट्रोल डीजल से जो कमाई होती है वो इस इंजेक्शन पे क्यों खर्च करनी चाहिए? पैसे तो ये आम जनता के है ना, जनता ही भर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसका श्रेय पीएम के पास कैसे जाएगा? केंद्र सरकार को नहीं जाना चाहिए ना, केंद्र सरकार को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको अपने पास से भी तो कुछ करना चाहिए ना, लोगों का पैसा एक्स्ट्रा काट के और उन्हीं को लगा दिया जाए तो पहले, इसका मतलब सरकार के कोई फर्ज नहीं है। और वहीं एक तरफ सरकार की तरफ से अभियान चला रहा है कि सबको मुफ्त वैक्सीन, पीएम मोदी का धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है, ये सरकार का जिम्मेवारी है, सरकार को ही करना चाहिए था, ये नहीं कि पेट्रोल की डीजल की कीमतों से मतलब इसको कवर किया जाए। आपका क्या कहना है? हम यही कह रहे हैं वैक्सीन लग रहा है ठीक है, ये कंपल्सरी है और हर एक को लगना चाहिए। लेकिन इसका श्रेय किसको जाएगा? मोदी जी को। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो जनता का ही है, जनता के पैसे ही जनता को लगा के। अब हुकूमत जिसके है उसी के नाम चलेगा बेटा, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है ये तो हम ही जानते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि यूजफुल चीजें हैं, जो टैरिफ को कम रेट कम करना चाहिए, जो बाकी रसोई गैस है रसोई घर का जो काम है उसका रेट को मोदी सरकार जी को कम करना चाहिए ताकि आम जनता खुश रहे और आगे के इलेक्शन के लिए रेट करे। आपने इसका श्रेय मोदी सरकार को तो दे दिया, हाँ जी, लेकिन जब आम जनता के ही पैसे आम जनता के ऊपर खर्च हो रहे हैं तो मोदी सरकार को उसका श्रेय कैसे जाएगा? तो बात आपकी सही है, पैसा तो सरकार का ही है, सरकार के पास लगना है, लेकिन अब तो मोदी की सरकार है वही कर रहा है, अब एक आदमी हम अपने घर को नहीं संभाल सकते, अदरवाइज दुनिया को संभाला। अगर इससे अच्छा सरकार जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम है उनको कम कर दे उससे ज्यादा राहत मिलेगी? हम इसके टैक्स बहुत है, गाड़ी कम कर दो सब रेट कम हो जाएंगे, लोगों ने तो एक घर में 5 स्कूटर है मोबाइल है अदरवाइज ये फजूल खर्चे मतलब, कम करना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि सरकार रेट कम करे ना करे लोगों को गाड़ियाँ खरीदनी बंद करे? हाँ ये बात है, गाड़ियाँ कम करेंगे कम पेट्रोल लगेगा सब चीज़ फैसिलिटी लोगों को मिलेगी, बाकी जो रसोई का काम है ना घर की जनता निकले ये कम करना चाहिए मोदी सरकार को, भाई आम जनता के लिए घी का तेल फलान तेल ये चीज़ें बढ़ रहे हैं ये दाम कम करना चाहिए ताकि रसोई में लोग इसमें लोगों की फैसिलिटी करे तब नाम होगा मोदी सरकार जी का और नाम ऊंचा होगा। अंकल जी का कहना है कि महंगाई कम हो या ना हो लोगों को गाड़ियां खरीदनी बंद कर देनी चाहिए, जब गाड़ियां ही नहीं रहेगी तो पेट्रोल डीजल के दाम अपने आप, ये इनकी अपनी राय थी। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर उनका क्या कहना है या ये मुफ्त वैक्सीन का श्रेय किसको जाता है।
इस बाजार के प्रधान के पास पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये श्रेय किसका है, इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए और लोग आभार किसका व्यक्त करें। अंकल जी, वैक्सीन मुफ्त लग रही है, किसकी वजह से मुफ्त लग रही है? देखो जी, ये सरकार की जो है, जो ये मुहिम चलाई है, बहुत अच्छी बात है, जो कि जन जन तक इसका आगाज है। हर, मैं कहता हूँ जी, हर प्राणी को जो ये सरकार मुफ्त सुविधा दे रही है, इसको लेनी चाहिए और ये जायज है। एक महामारी चली हुई है, इससे बचने के लिए जो सरकार ने, हमारी हरियाणा सरकार, भारत सरकार ने हमारे को जगह जगह पर कैंप लगा के हमारे को फ्री में जो हमारे को ये सुविधा दी है, हम इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। मेरी उम्र 52 साल की है, लेकिन मैं अभी तक दूर होने की वजह से ये मैं नहीं लगवा पाया, लेकिन मुझे ये, मैं कोशिश करूँगा अगले वीक तक कहीं ना कहीं मैं, जहाँ भी कोई कैंप लगेगा या जो हमें सूचना मिलेगी, तो हम इसको जरूर लगवाने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं लगवा पाए आप अब तक? देखो जी, मेरे पास पहले सूचना आई थी, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक बार जो है ना, आर्य समाज मंदिर में कैंप लगा हुआ था, तो जी मैं, गर्मी बहुत थी, वहाँ जा नहीं पाया, गर्मी बहुत लगती है, परेशानी होती है। तो फिर उसके बाद देवी मंदिर के अंदर लगा, तो भी मैं वहाँ नहीं जा पाया, इसमें मैं अपनी खुद की गलती मानता हूँ। स्लॉट वगैरह बुक करने में भी दिक्कत हो रही है? बुक करने में तो है दिक्कत है जी, देखो भीड़ वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, और जैसे भाई उम्र के हिसाब से मैं वहाँ वेट नहीं कर सकता। चीज़ बताइए, आपने कहा ये जो मुफ्त वैक्सीन लग रही है उसका श्रेय आप सरकार को दे रहे हैं, लेकिन सरकार के ही एक मंत्री का कहना है कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे जो सरकार को मुनाफा हो रहा है उसका प्रयोग वो वैक्सीन के लिए कर रहे हैं जो लोगों को मुफ्त लग रही है, तो इसमें सरकार की क्या उपलब्धि हुई? ये जनता का पैसा ही जनता के पास लग रहा है जी? होता तो जनता का ही पैसा है, सिर वो कहते हैं पब्लिक का ही पैसा, पब्लिक में ही लगाया जाता है। एक सरकार तो एक मैनेजमेंट है, जैसे घर का एक मुखिया होता है, कौन से पैसे को कहाँ लगाना है ये उनकी जिम्मेवारी है जी। हमारे को जो मुफ्त मिल रही है ठीक है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है वो उनकी सोच है, इसमें वैसे तो गलत है। सरकार इस काम, महंगाई को रोकने में नाकामयाब है, दूसरे के ऊपर पहले आरोप लगाते थे, ये गलत मानते हैं हम इनको, कि इतनी इतनी 150 रुपये किलो जो तेल है, जो हम ये एक बोतल तेल की 80 रुपये में बेचते थे, आज हम 160 रुपये की, ये कस्टमर खड़े हैं जो हमारे को इतनी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इसको बेचने में, ये सरकार की नाकामयाबी है। सरकार जो खुद के ऊपर ले रही है वो कहाँ तक सही है? देखो खुद पर ले रही है सरकार, तो जिसकी सरकार मौजूदा होगी वो अपने ऊपर श्रेय लेगी, वो इसमें कोई शक नहीं है। आपके हिसाब से ये श्रेय किसका है? आप हमारी श्रेय तो जनता की है जी, जो महंगाई है। देखो इसमें सरकार, हमें तो इस सरकार में कोई फायदा दिख नहीं रहा है, जो पिछले सरकारों में था कंट्रोल होना चाहिए, वो कंट्रोल नाम की चीज़ नहीं है। हम सरकार से एक नागरिक होने के नाते यही अपील करते हैं कि भाई अपने जो ये व्यवस्था महंगाई की है, पेट्रोल डीजल है, बिजली पानी है, शहर के अंदर पानी की हाहाकार, जैसे एक बारिश आती है फ्लड जैसा रूप हो जाता है, इतनी बड़ी स्मार्ट सिटी होते हुए, नगर निगम होते हुए, नगर पालिका और नगर छोटे कस्बों का क्या हाल होता होगा, तो ये सरकार की नाकामयाबी हम ये मानते हैं जी। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार सिर्फ मैनेजमेंट निभा रही है, ना ये सरकार का पैसा है और ना ही ये राज्य सरकार का, ये पैसा है आम जनता का, जो आम जनता के ऊपर ही लगाया जा रहा है। सरकार को अगर श्रेय लेना है तो सिर्फ मैनेजमेंट का लें, और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये श्रेय किसका है। अंकल जी, वैक्सीन लगवा ली? हाँ जी, लगवा लिया जी। वैक्सीन मुफ्त लगी है? हाँ जी। ये मुफ्त वैक्सीन का श्रेय किसको देते हैं? मोदी सरकार को। क्यों? क्योंकि मोदी सारे देश हित में काम कर रहे हैं, तो मोदी अपनी ईमानदारी सरकार ही है। बाकी कोई भी सरकार जो भी आज तक आई है कांग्रेस की, किसी ने भी ऐसा सोचा ही नहीं, उनकी तो सोच अपनी व्यक्तिगत ही है, ये पूरे समाज के लिए सोचते हैं मोदी सरकार। क्या आपको लगता है मोदी सरकार वाकई इस आभार की हकदार है? बिल्कुल है जी, श्योर। लेकिन मोदी सरकार के ही एक मंत्री का कहना है कि ये जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो उससे सरकार को मुनाफा हो रहा है, इस बार 88% ज़्यादा मुनाफा हुआ है, वो जो पैसे हैं वो सरकार जनता के हित में लगा रही है, तो फिर इसमें श्रेय जो है वो मोदी सरकार का क्यों हुआ? मोदी सरकार को इसलिए श्रेय है कि एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, दोनों बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, और मोदी सरकार इतने हथियार बनवा रही है कि कल को जब भी ये युद्ध होगा तो ये भूल जाएंगे कि दोबारा हिंदुस्तान की तरफ आँख उठा के भी देखना है। लेकिन ये मुद्दा तो अलग हो गया ना, लोगों ने, मोदी सरकार ने एक तरफ जगह जगह पोस्टर लगा दिए कि आभार मोदी जी, लेकिन जो ये वैक्सीन के पैसे हैं, जो मुफ्त वैक्सीन लग रही है, ये पैसे तो जनता के ही हैं, चाहे वो जनता से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर लूटे या किसी और तरह से लूटे, और उसके बाद अपनी ही तारीफ करवाए कि मोदी जी धन्यवाद, ये कहाँ तक सही है? मोदी जी का इसलिए वो ठीक है क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पेट्रोल के थोड़े से पैसे बढ़ गए, गरीबों को जो दवाई है वो फ्री मिल गई,
अगर वो ना मिले आज तक क्या करती रही है कांग्रेस सरकार, उन्होंने भी तेल बढ़ाए हैं, दूसरे रेट बढ़ाए हैं, मगर किसी भी तरह से पब्लिक को कोई वो सपोर्ट नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये श्रेय जनता के पास नहीं जाना चाहिए था? नहीं जी, ये सिर्फ मोदी सरकार को ही है। ये जो लगा जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं मुफ्त वैक्सीन अभियान और धन्यवाद मोदी जी, कितना सही है? बिल्कुल सही है, ये मोदी जी ने जो अभियान चलाया है मुफ्त वैक्सीन का, ये बिल्कुल सही है और लोग जागरूक होना चाहिए वैक्सीन लगवाने के बारे में। हर आदमी ने वैक्सीन लगवानी चाहिए और वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। वहीं सरकार के ही एक मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो और भी महंगाई बढ़ रही है, उससे जो मुनाफा हो रहा है हम उससे लोगों को वैक्सीन मुफ्त लगवा रहे हैं, तो श्रेय पीएम का कैसे हुआ? नहीं नहीं, ये तो देखो जी, सरकार है हमारे जो भी हैं, तो वैक्सीन तो सरकार ही लगवा रही है ना, तो मुनाफा तो हर चीज़ में पहले भी होता है। क्या तेल पेट्रोल से ही चलेगा क्या? लेकिन इस बार जो पेट्रोल डीजल के दाम में मुनाफा है ना, उसमें 88% की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी तो हुई है, देखो जी देश और भी तो चीज़ें हैं, और भी तो चीज़ संभालनी है, कोई ये थोड़ी है कि सारा वैक्सीन से ही उस पर हो रहा है। वैक्सीन तो अलग चीज़ है। जब पैसा जनता का है और जनता के पास जा रहा है तो धन्यवाद मोदी जी। देखो जी, धन्यवाद हमारे देश के राजा हैं, जो राजा ये काम करा रहे हैं तो श्रेणी तो राजा को ही जाएगी जी। पैसा किसके जेब से जा रहा है? देखो, पैसा तो पब्लिक तो हर चीज़ का टैक्स देती है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो वैक्सीन के लिए ही दे रही है। ये तो आज वैक्सीन लग रही है, जो सदियों से टैक्स देते आए हैं, क्या वैक्सीन के लिए ही टैक्स दे रहे थे हम? लेकिन महंगाई भी तो फिर आज चरम सीमा पे है। महंगाई तो हर वक्त बढ़ती आ रही है जी, इसको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता जी इसको, और ना ही कभी सोचने का ये सोचा है। इस बढ़ती महंगाई से खुश है? नहीं, खुश तो नहीं है, खुश तो कौन हो सकता है महंगाई से बढ़ के, खुशी कोई नहीं हो सकता। लेकिन इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आप अपने राजा को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, राजा तो देखो जी अपना काम कर रहे हैं, राजा को क्या कहेंगे, राजा ने अपना काम करना है, जनता ने अपना। महंगाई तो सदियों से हर बारी बढ़ती चली आ रही है, तो इसके लिए हम राजा को दोषी थोड़ी ठहरा सकते हैं। इनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि बेशक पैसा जनता की जेब से जाए या उनकी खुद की जेब से जाए, लेकिन जो श्रेय है वो तो मोदी जी को ही जाना है, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ये मुफ्त वैक्सीन का अभियान जो चल रहा है, इसका श्रेय किसको जाता है? निश्चित तो शायद मतलब जैसे कि मोदी को ही जाता है, जो मोदी ने कराया। बाकी जैसे कि अब लगने के लोग जा रहे हैं वहाँ पे, टाइम से लग नहीं रहा, मैं भी 2-3 बार गया हूँ, नहीं मिल रहा। मोदी तो ठीक है, मोदी नीचे जो उनके लेवल में है वो सब भ्रष्टाचार में है। लेकिन ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ने से जो सरकार को मुनाफा हो रहा है, सरकार के खुद मंत्री जी ने कहा है कि जो उससे पैसे आ रहे हैं ना, हम उससे लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो फिर सरकार जो मोदी जी का धन्यवाद कर रही है वो क्यों? पता नहीं, मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं जी, यहाँ तो दुकानदार सारे मरे पड़े हैं, काम धंधे सारे खत्म हुए पड़े हैं। ये क्या नाम, लॉकडाउन सारे लगा के सब दुकानदार को देख लो कि अभी त्यौहार आ रहा है, त्यौहार भी ऐसे फिक्के गए हैं, ईद गई है, ईद भी फिक्की गई, ऐसे गई है। दुकानदार सारे मतलब कुल मिला के सबसे ज़्यादा चोट लगी है दुकानदारों पर। और दुकानदार के को ना तो जैसे अब किराएदार है, किराएदार का कोई सुनवाई नहीं है, ना तो उनको मतलब किराया माफ हो गया, जो 2-3 4 महीनों के जो किराया दिया है, किराया पूरा भी उन्होंने लिया है मोदी का। जैसे अब जैसे स्कूल में जैसे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों के कोई वो नहीं है, बच्चों ने मतलब फीस पूरी ली है, एडमिशन ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मतलब मोदी का नाम है ठीक है, मगर मोदी के नाम से जो नीचे जो है उनका कोई वो नहीं है, वो उनका तो भ्रष्टाचार ही है। मोदी जी का नाम हो रहा है लेकिन जो रियल हकदार है वो कौन है इस श्रेय का? श्रेय तो जैसे मान लो मेरी बात सुनो ना, जैसे पब्लिक तो अभी परेशानी है, पब्लिक तो परेशान हर चीज़ के अंदर है। जैसे लॉकडाउन के अंदर अब जैसे लग रहा है, अब लॉकडाउन के अंदर पब्लिक क्या चाहेगी? रोज़गार ख़त्म है, रोज़गार तो बिल्कुल ही खत्म हो, तो आपको भी दिख रहा है कि मार्केट के अंदर ग्राहक नहीं है, और जिसके बाद जो दुकानदार है वो कहाँ से देगा? बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, सब कुछ किया, खाना पीना भी चाहिए, कुछ भी नहीं है, सब ये भ्रष्टाचार ही है जी। मतलब ये है कि चलो मोदी का नाम ठीक है, मतलब जो नीचे जो है उनके जो लेवल पे है जो सही नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ लोगों से कि जो ये जनता की जेब से पैसा निकाल के जनता के तक ही ले जाकर उसका श्रेय जो सरकार खुद ले रही है वो कितना सही है? जनता का पैसा जनता के पास नहीं वापस आ रहा, जनता से लिया जाता है, वो वापसी टैक्सों में से मिनिस्ट्री में या आगे ऊपर की तरफ जो सिस्टम है वहाँ पे चला जाता है। तो इसलिए लोगों का पैसा लोगों तक वापसी नहीं पहुँचता, ना उसकी फैसिलिटीज ना उसकी रिकवरी लोगों पे नहीं पहुँचती। महंगाई देख लो क्या, 80-90 रुपये किलो सरसों का तेल आज 125 रुपये किलो मिला, मजदूर की झाड़ी वही है, दुकानदार की इनकम वही है, वो आदमी कहाँ जाएगा गरीब? पेट्रोल देख लो 60-70 रुपये 100 रुपये हो गया, आदमी क्या डला लेगा और क्या कर लेगा? तो आज का जो हमारा मुद्दा है, हम इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर जो उससे मुनाफा हो रहा है, उसी पैसे की फ्री वैक्सीन लगवाई जा रही है, ये सरकार के खुद के मंत्री का कहना है, और लोग और सरकार फिर ये भी कह रही है कि मोदी जी का धन्यवाद करो, ये कितना सही है? मोदी जी का क्या धन्यवाद? एक जो घर में बड़ा होता है उसको गलत और सही सिर्फ उसी को आ जाता है। आज ये घर का जो मुखिया है,
कोई नीचे गलत करेगा तो सिर्फ कहने सुनना सिर्फ उसको होगा। इस तरह वो मोदी जी हैं जो कर रहे हैं वे अपनी ओर से ठीक कर रहे हैं, पर आगे सिस्टम ही गलत है तो उनमें उसकी गलती क्या, शेय तो उनको ही दिया जाएगा कि वे सही कर रहे हैं अपनी ओर से, वे तो सही चला रहे हैं भाई चीज़ कि लोगों तक हर चीज़ से पहुँचे। आज के टाइम में हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, पर लोगों को आधे लोग जागरूक नहीं है, आगे लोगों को सिस्टम नहीं है, इसलिए सारा शेय खैर उन्हीं का ही है, जो चीज़ हाँ है वो उन्हीं की है। उनका भी यही कहना है कि बेशक ये पैसा जनता की ही जेब से गया हो, जनता के पास ही वो वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन के तौर पे आ रहा है, लेकिन श्रेय तो फिर भी मोदी जी को ही जाएगा। आपने वैक्सीन लगवा ली? हाँ लगवा ली मैडम। मुफ्त लगी थी? हाँ जी फ्री लगी थी। तो इसका धन्यवाद किसको करेंगे? सरकार को ही। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने मोदी जी ने लगवाई है तो लेकिन 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 सरकार के ही मंत्री जी कह रहे हैं जो ये महंगाई बढ़ रही है ना उससे जो पैसा वसूल कर रहे हैं वही पैसे हैं जो हम मुफ्त वैक्सीन लगा रहे हैं। महंगाई तो सबके लिए है लेकिन हमें तो वैक्सीन फ्री लगी है, हमें कोई पैसा नहीं लगा हमारे को। लेकिन पैसा तो आपकी जेब से ही जा रहा है, जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी से जो सरकार को मुनाफा हो रहा है उसी पैसे से मुफ्त वैक्सीन लगवाई जा रही है, तो फिर पीएम का धन्यवाद किस बात का? लेकिन हमें तो मिल गई, हमने क्या महंगाई तो सबके लिए गया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? सबके लिए, उनको इंसान को है जिनको कुछ नहीं मिल रहा उनको पूछो उनको किसका फायदा है ना, हमें तो सबके लिए, हमें तो महंगाई सबके लिए, हमारे लिए कोई अलग तो है ही नहीं, है ना? ये जो मुफ्त वैक्सीन अभियान चल रहा है उसका श्रेय किसको जाता है? मैडम इसका श्रेय सबसे पहले मोदी जी को जाता है जिन्होंने इतना किया, नहीं तो आम पब्लिक के लिए पॉसिबल नहीं था कि कोई भी ये वैक्सीन अफोर्ड कर सके। जो जो रिच फैमिली से हैं या फिर जो एजुकेटेड हैं वो तो फिर भी सोच लेते हैं कि नहीं हम लगवा लेते हैं चाहे कॉस्ट कुछ भी हो, लेकिन जो आम पब्लिक है जो अभी एजुकेट नहीं है वो स्पेशल यही सोचे कि नहीं क्या करना है लगवा के। लेकिन मोदी जी ने ऐसा काम किया कि सबके लिए फ्री कर दी, तो हर बंदा यही सोच रहा है कि नहीं लगवानी चाहिए यह वैक्सीन, और आज के टाइम में हर बंदा इसके लिए जागरूक है। लेकिन सरकार के ही एक मंत्री कह रहे हैं जो ये महंगाई बढ़ रही है ना उससे जो पैसा सरकार के पास जा रहा है वही पैसा है जो हम लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो इसका श्रेय फिर मोदी जी को कैसे जाएगा? नहीं हर बंदा टैक्स नहीं भर रहा मैडम। लेकिन पेट्रोल डीजल तेल और जो ये गैस के दाम बढ़ रहे हैं इससे भी तो महंगाई हो रही है। नहीं महंगाई जरूर हो रही है, एक बात बताइए पेट्रोल डीजल इन सब से वैक्सीनेशन का कोई लेना देना? वैक्सीनेशन के लिए हमारी पॉपुलेशन कितनी है आप एक बात बताइए? हर बंदे को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है सिर्फ एक इसलिए कि हर जो ये कोरोना हमारे लिए बीमारी आ रही है उससे सब हर बंदे को दूर किया जा सके। संसद में मोदी जी के ही एक मंत्री ने ऐसा बोला है कि इस बार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उससे 88% ज़्यादा मुनाफा हुआ है, और हम उसी पैसे का प्रयोग करके जो लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवा रहे हैं, जो आवास योजना है ये योजना है वो योजना है वो उसी पैसे से लग रहा है, तो इसका श्रेय मोदी जी के पास कैसे जाएगा? क्या ये सही है? नहीं मैडम ये सही नहीं है, क्योंकि वैक्सीन जो फ्री में लग रही है वो काफ़ी टाइम से लग रही है, ये पेट्रोल डीजल के जो भाव हैं वो आजकल में बढ़े हैं, तो ये कैसे उनके उस पर हम मोदी जी पे हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। तो मतलब आपका कहना है कि महंगाई से वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं? देना नहीं है, बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। फ्री में वैक्सीन बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, बहुत ही अच्छा, गरीब हो अमीर हो हर किसी के लिए फ्री है, हर बंदा उसको जाके लगवा सकता है, बहुत अच्छा काम किया मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम है। हम आपसे बात कर रहे हैं बार बार कि वैक्सीन को लेकर आखिर किसका हो आभार और आखिर ये आभार का हकदार कौन है, इसी को लेकर हम पहुंचे हैं किसान भवन में, वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक जिन्हें इस ज़िंदगी के तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी का तजुर्बा उन्होंने बहुत ले रखा है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस मामले को इस मसले को लेकर वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, वो इसका आभार किसको जताते हैं? जो टैक्स के पैसे आ रहे हैं जी। फिर मोदी जी क्या दे रहे हैं? ये तो जो जनता टैक्स दे रही है, जो जनता टैक्स दे रही है उससे वैक्सीन लग रही है, और ये मोदी जी के मंत्री जी खुद कबूल कर रहे हैं संसद में, उन्होंने खुद कहा है कि इस बार जो महंगाई से पेट्रोल डीजल के दामों से जो मोटी रकम आई है 88% मुनाफा हुआ है, और उसी पैसों को हम यूज़ कर रहे हैं फ्री वैक्सीन लगवाने में, मोदी का जो आवास अभियान है उन सब चीज़ों के लिए, तो मोदी जी का धन्यवाद सही है या गलत? गलत। आइए उनसे बात करेंगे, उनसे जानते हैं। अंकल जी आपका क्या कहना है कि ये कितना सही और कितना गलत? 100% गलत है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के लिए है, हेल्थ का बजट होता उसी में वो कर रहे हैं, कोरोना के नाम पर तो इसने अरबों खरबों रुपये तो चंदा ले लिया, क्या इसका 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 धन्यवाद किस बात का? देश को बेचने लग रहा है, इस ऐसे आदमी का धन्यवाद करते हैं क्या? है सारा देश बेच कर ना इसने वो कर दिया और सब के अपने पूंजीपतियों के घर बनने लग गए, इनका धन्यवाद कैसा?
तो जनता को जो धन्यवाद है वो खुद का करना चाहिए, वो अपना आभार। जनता का कौन धन्यवाद करता है? जनता नहीं, जनता अपने आप तो कर लो, बोल लो, अपने आप में क्या है बेचारी जनता का? जनता तो पीस रही है, 60 रुपये का तेल 200 रुपये, 50 रुपये की दाल 250 रुपये, 30 रुपये का पेट्रोल 100 के पार है। क्या क्या कर रहा है? कल तक बोला पैसा बचा के नहीं बचा, कहाँ बच रहा है पैसा? मतलब आप कह रहे हैं कि ये गलत तो है? जनता तो भूखमरी और नंगी की कर दी इसने, छोटा क्या है? मतलब आप साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है, आभार 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 पीएम मोदी का नहीं होना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा इंसान की कमजोरी क्या होती है? अंधभक्ति, जिसको यही नहीं पता कि जो मेरे भगत हैं, कोई मेरा भगत है उसको यही नहीं पता ये आदमी कैसा है, ठीक है या गलत है, लेकिन उसकी जय जयकार करनी। गलत आदमी की जय जयकार करना सबसे बेवकूफ और मंदबुद्धि इंसानों का काम है। तो जो लगातार ये महंगाई बढ़ रही है, जिसके जरिए इतना टैक्स वसूला जा रहा है, उसको लेकर सरकार को क्या कहेंगे? सरकार लूट रही है, ये सरकार तो लूट रही है, वही बात है, वो टकैत साहब ने नहीं कहा, लुटेरों का आखिरी बात से साबित होगा, ये तो लुटेरों की सरकार है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगली बार मोदी सरकार तो बिल्कुल नहीं आएगी? नहीं, मेरे रोकने से तो रुकती नहीं, वो तो पब्लिक ने देखना है क्या है, ये तो पब्लिक को देखना है ना। अभी तक तो ऐसे अंधभगत क्या वो कम है? ये लोग कह रहे हैं कि अगर जनता का पैसा जनता के ऊपर लगाया जा रहा है तो उसमें सरकार का कोई मुनाफा नहीं है, सरकार लगातार जो जनता को लूट रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उनकी नाकामी साबित हो रही है। आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सही है कि इसका आभार मोदी जी को दिया जाए, या ये सही है कि इसका आभार जनता के पास जाए? आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, सत्य खबर के लिए कंचन के साथ कैमरामैन सुनील। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।